नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून दो को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टमाटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रेटिंग रीडिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तल मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ सत्रह पॉइंट सतर करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को दुनिया रूप में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में सतहत्तर करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य ग्रो के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था प्लेक्स में फ्लैक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मुही की कहानी यह आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह yeah, मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह yeah, मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमाटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रेटिंग मिली हुई है और दोस्तों एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करे इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा सिका तल मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर से आपको पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्मा, निर्मा न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कारन और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कान, कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूहरा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उसे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिसे वह उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मुवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मुवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रेटिंग रीडिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा सिकलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्मा, न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम नम फीचर्स के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानू, कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य ग्रहों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजने में बेचता है जिससे सत्तु को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में प्लेस फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा सीका तल सहनिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ सत्रह पॉइंट सतर करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम नम फीचर्स के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख, एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उसे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लैक्स में फ्लैक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में काता नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल कही सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून दो को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा सिकलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम फीचर्स के किया है फिल्म में कार्तिक कायर और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में सतहत्तर करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तु को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लैक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वो पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रेटिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल गुग, यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करे इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा सिका तल मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें की इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया इसका निर्मा, 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 और इसका निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है के बात उसकी उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उसे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ फ्लैश बैग में दिखाया गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रेटिंग रीडिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिकलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर से आपको पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्मा, निर्मा, न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम फीचर्स के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक नाटक के, के रूप में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कान। कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हन खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तु को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में प्लेस फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमाटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम तो दस में से सिक्स दसवें सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तल मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम नम पिक्चर्स के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ उनतीस जून 2023 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया है यह है दुनिया भर में एक पॉइंट सतर करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप रूप से रूप से व्यवसाय सफल रही है फिल्म फिल्म पुरस्कार में, में का अभिनेत्री आडवण सर्वेष्ट कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक, एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य ग्रोह के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर घर से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई अनुरोधों के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दोहरा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जन्म होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उसे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा में देखा हुआ था फ्लैश बैग में, में, में दिखाया गया गरबा उस सब में, में सत्तू काता नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है की वो पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मुई की कहानी यह मुई आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुई आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मुई को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मुई आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुई आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून दो हजार तेईस को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों एट्टी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा दो में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्मा, निर्मा, न्याडे वाला क्रेडेशन इंटरटेनमेंट और नम फीचर्स नम के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य ग्रहों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तु को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लेक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों तो यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों <Ez1> तो आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो रीडिंग की तो 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल गुग यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करे इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तल मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार का किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याड्या वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उसे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिसे वो उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लैक्स फ्लैश बैग में दिखाया गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मुवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मुवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ सत्रह पॉइंट सतर करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम फीचर्स के किया है फिल्म में कार्तिक कायर और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में सतहत्तर करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य ग्रहों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हन खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में मेरेक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विधान विदा, ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमाटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो रीडिंग की तो 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा 26 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार का किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आप को पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम फीचर किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ उन, जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बचा हुआ कुआरा है कई के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूहरा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिसे वो उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लेक्स फ्लैश बैग में दिखाया गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल कई सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस की आई की डी रीडिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर, जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर, जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ सत्रह पॉइंट सतर करोड़ का कारोबार किया का है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन इंटरटेनमेंट और नम नम फीचर्स के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ उनतीस जून 2023 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप रूप से रूप से व्यवसाय सफल रही है फिल्म फिल्म पुरस्कार में का अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक, एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य ग्रहों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हन खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तु को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लेक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको प्राइम के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विधान विदा, ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टमाटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से 6.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर जरूर से एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करे इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का, का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याड्या निर्मा, वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कारन और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बचा हुआ कुआरा है कई के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिसे वो उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लैक्स फ्लैश बैग में दिखाया गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल कही सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून दो हजार तेईस को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तल मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर से आपको पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के तो सत्य प्रेम की कथा दो में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याडया इंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में सतहत्तर करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बचा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी अपने बेटे के लिए दूल्हन खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स मेरेक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह yeah, मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह yeah, मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्लेट पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमाटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम डी बी रीडिंग की तो दसवें सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा सिका तलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर से आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा दो में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्मा, निर्मा, न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम फीचर किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूहरा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उसे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लैक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुई आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल कही सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस की आई की डी रीडिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिकलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ सत्रह पॉइंट सतर करोड़ का कारोबार का किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम फीचर्स के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में सतहत्तर करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य ग्रहों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हन खोजने में बेचता है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लेक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वो पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह yeah, मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह yeah, मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह yeah, मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विधान विदा, ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह yeah, मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो दस में से 6.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर, जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर से आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा दो में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्म, निर्म, न्याडे वाला क्रेडेशन इंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूहरा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उसे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिसे वह उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लैक्स फ्लैश बैग में दिखाया गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मुही की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मुवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मुवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुझे आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स की दमदार रेटिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तल सहनिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ सत्रह पॉइंट सतर करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य तो प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम फीचर्स के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ दो जून 2023 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बचा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तु को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स मेरेक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुझे आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63% थ्री परसेंट रोटो टमाटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम की तो 10 में से सेवन की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स सेवन की दमदार रेडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तल मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सत्तर करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर से आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा दो में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बचा हुआ कुआरा है कई के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ फ्लैश बैग में दिखाया गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुई आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती तो रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी थ्री परसेंट रोटो फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी एम रीडिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 परसेंट गूगल गु, यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर जरूर से जरौर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तल मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ सत्रह पॉइंट सतर करोड़ का कारोबार का किया तो है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याड्या वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को नाटक दुनिया भर में एक सौ सत्रह पॉइंट सतहत्तर करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य ग्रहों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बच्चा हुआ कुआरा है कई के उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजने में बेचता है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है वह उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लेक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टमाटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी एम डीबी रीडिंग की तो दस में से सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों एटी टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को से जरूर जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को से जरूर जरूर से एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ सत्रह पॉइंट सतर करोड़ का कारोबार का किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्मा, न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कान, कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बचा हुआ कुआरा है कई के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लैक्स फ्लैश बैग में दिखाया गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुई आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस 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 प्रकार मूवी मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेट्ट प्लेट्ट पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह yeah, मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रेटिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 गूगल गुग, यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें तो इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तल सहनिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा छब्बीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट साठ करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक सौ सत्रह पॉइंट सतर करोड़ का कारोबार का किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा 2023 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कायरन और मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में सतहत्तर करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ट अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक सुख एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य ग्रहों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बचा हुआ कुआरा है कई के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तु को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उससे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिसे वह उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में मेरेक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मुझे आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 थ्री परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 6.7 की दमदार रेटिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर से एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको कार्तिक आयरन क्यारा आडवाणी अर्जुन अनेजा शिका तलसानिया मायरा दोषी अनुराधा पटेल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा 26 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ के करीब था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कारोबार किया है तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर से आपको पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की कहानी की तो सत्य प्रेम की कथा दो में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन समीर विधान ने किया और इसका निर्माण निर्माण न्याडे वाला क्रेडेशन एंटरटेनमेंट और नम के किया है फिल्म में कार्तिक कारन और क्यारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में सत्य प्रेम की कथाओं को सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 जून 2023 को में रिलीज किया गया है यह दुनिया भर में एक करोड़ की कमाई करते हुए मध्यम रूप से व्यवसाय रूप से सफल रही है सिक्सटी नाइन में फिल्म पुरस्कार में फिल्म का सर्वेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सर्वेष्ठ कहानी के लिए नामांकन मिला है सत्य प्रेम एक एक दुखी निम्न मध्यम वर्ग का लड़का जो अपने असफल कानून का छात्र है और अपने माता पिता को एक छोटी बहन के साथ रहता है अन्य घरों के विपरीत उसकी माँ और बहन उनके घर में काम करने वाले सदस्य हैं इसलिए वो अपने उसके पिता दोनों बेरोजगार हैं इसलिए उन्हें घर 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 से कभी काम करने का काम सौंपा गया है सत्तू निराश है क्योंकि उनके पड़ोस एकमात्र बचा हुआ कुआरा है के बाद उसकी माँ उसके लिए दुल्हन खोजने से इनकार कर देती है लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूल्हा खोजने में व्यस्त है जिससे सत्तू को जलन होती है सत्तू अपने पिता को बताते कि उसे वह अभी भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे उसने कुछ साल पहले गरबा गरबा में देखा हुआ था फ्लेक्स में फ्लेक्स फ्लैश बैग में दिखाए गया गरबा उस सब में सत्तु नामक एक लड़की पर मोहित हो जाता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह पहले ही तपन नाम के एक के एक आदमी साथ रिश्ते में, तो उसका दिल टूट जाता है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिए इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस 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 प्रकार मूवी मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सत्य प्रेम की कथा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा उनतीस जून 2023 को रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी मूवी सत्य प्रेम की कथा इस मूवी को डायरेक्ट के समीर ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के समीर विदा, विदान ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों इस मूवी को 63 परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रेटिंग रीडिंग की तो दस में से सिक्स सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 82 टू परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है